आमतौर पर जेनरिक दवाओं को लेकर एक भ्रांति मन में बनी रहती है कि ये दवाएं सही हैं या नहीं, कहीं सस्ती होने के कारण इनका कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसी मिथ्य को तोड़ा है पीजीआई के डॉक्टर्स ने। हाल ही में पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल ने एक मीडिया मीट के दौरान बताया कि जेनरिक दवाएं 100% असरदायक हैं। यहां तक कि पीजीआई के लगभग सभी डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन रिसीट में 88% तक जेनरिक दवाओं को ही लिखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीजीआई में 7 जेनरिक मेडिसिन के स्टोर हैं और हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि जेनरिक दवाएं कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल की जा रही हैं। Which is more powerful? I must have seen 30,000 patients in the last 30 years in neurology. उसमें से 20,000 neurology के मरीज तो होंगे epilepsy के, होंगे 10,000 बाकी neurological illnesses. The most effective brand of epilepsy these days happens to be a drug called Levipil. Levisetram. It is, you know, very effective. उसका जो innovator brand है Keppra. Keppra होता brand which was in Belgium. मैं ऑन रिकॉर्ड स्टेट कर रहा हूं आप सबके आगे, मैंने आज तक कैपरा नहीं लिखी। ऑन रिकॉर्ड आई एम सीइंग ऑन, हाँ कोई बाहर से कंटिन्यू कर रहा है दैट विल कंटिन्यू इट, बट मैंने अपने आप कभी कैपरा नहीं लिखी। व्हाट आई राइट इज स्टैंडर्ड जेनरिक ब्रांडेड ड्रग्स। देखो जेनरिक भी दो तरह का होता है, जैसे MD दो तरह का, मैंने बताया पीजीआई का MD है, ये कहीं और का आप समझ जाइए, देयर इज अ डिफरेंस। So if you have a standard branded generic drug, it works like a original drug. मुझे नहीं चाहिए, I don't want it. अरे भाई, पूछे। चिल्लाए जा रहा हूँ। हाँ जी, चिल्लाए जा रहा हूँ। बाद में। Okay, right. Thank you. So this is the point I'm trying to make, that even in cancer. In fact, in India, for multiple myeloma, हमारे पास innovator drug है ही नहीं other than this generic drug, which is as effective as the original innovator drug available abroad. And what is the difference in cost? The difference in cost is 1/5. 1/5. जन औषधि में जो generic दवाइयाँ मिलती हैं, पिछले साल देश का 10,000 crore रुपए बचा, 10,000 crore. जन औषधि आउटलेट्स। हमने पीजीआई में, अभी मेरे को MS साहब ने बताया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।